आज माननीय महापौर मैडम ने जब ये सीपी शेखर नगर की स्लम शिफ्टिंग कराई थी उस समय निर्देश था कि बगीचे के रूप में डेवलप करेंगे। इस क्षेत्र में कोई भी हरियाली या ऐसा बगीचा ओपन एरिया नहीं है जहाँ लोग आकर के वॉकिंग कर सकें, बैठ सकें और बुज़ुर्ग लोग आ सकें, योगा कुछ कर सकें बगीचे के अंदर। तो वो स्लम शिफ्टिंग कर दी है हम लोगों ने, उसमें सभी रैक पिकर्स ही रहते थे ये लोग, और वहाँ बगीचे काम भी चालू हो गया है। अब धीरे धीरे जो हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ी शुरू की है, ये सारा कचरा ट्रांसफर स्टेशन में मशीनों के अंदर जा रहा है, अभी बाहर कचरा नहीं मिलेगा धीरे धीरे इन रैक पिकर्स को। तो ये ऐसे करीब 1700-1800 रैक पिकर्स हैं पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर। यहाँ का सबसे बड़ा सेंटर है ये, जहाँ रैक पिकर्स 400-500 रैक पिकर्स यहीं पर हैं। तो एक इनको रोज़गार इनका ख़त्म ना हो, और दूसरा इससे जुड़े हुए लगभग 15-20 कबाड़ी लोग हैं, उनका रोज़गार भी ना ख़त्म हो। इनको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो मटेरियल रिकवरी सेंटर है, जहाँ सॉर्टिंग होगी, अलग अलग सब किया जाएगा, वहाँ पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए आज बुलाया इन लोगों, कबाड़ियों को अलग से बुला लिया था हमने। तो हमारा प्रयास ये है, या मेयर मैडम का, मतलब नगर निगम प्रयास ये है, जो मेयर मैडम ने बोला है कि इनकी एक तो इनकम बढ़नी चाहिए, और जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं इनकी ट्रेंचिंग ग्राउंड में, उसमें इनकी रोज़गार इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, रोज़गार तो मिलेगा ही।